निशा रसोई की आज की रेसिपी है चिकन अचारी मसाला। 500 ग्राम चिकन है और ये दो बड़े प्याज को मैंने काट ली हूँ। मैं आधा लेमन का जूस लूँगी, अखा नहीं लूँगी। और ये है मिर्ची और ये है सूखे मसाले, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, नमक पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। और ये दो बड़े टमाटर को मैंने काट कर रख ली हूँ। और ये है अचारी चिकन का सूखा मसाला। ये है मेथी, ये है कलौंजी, ये है ज़ीरा, ये है सौंफ, ये है धनिया, ये है राई और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। सारे सूखे मसाले में हल्का भून लूँगी और इसको मैं एक दरदरा पेस्ट बना लूँगी। हल्का ही भूनूंगी मैं मसालों को और दरदरा पीस लूँगी मैं। हल्का ही भून ली हूँ मैं और इसको मैं दरदरा पीस लूँगी। दो चम्मच भर के मैंने ऑयल गरम कर ली हूँ। अब मैं प्याज को ऐड कर दूँगी और इस तेल में पका दूँगी। मैं तेल में प्याज को नरम करूँगी। प्याज अच्छे से हो रही है और मसाले मैंने ऐसे हल्का भून के मैं मसालों को दरदरा पीस ली हूँ। अब दो चम्मच भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी और साथ में प्याज के इसको भी मैं भून लूंगी। अदरक लहसुन को भी मैं मिलाकर प्याज के साथ भून लूंगी। अदरक लहसुन और प्याज को मैंने इतना पका चुकी हूँ। अब मैं चिकन को भी ऐड कर लूँगी और इसको भी मैं अच्छे से मिलाकर भून लूँगी। चिकन को भी मैं अच्छे से मिलाकर भून लूँगी। अब मसालों को मैं प्लेट में निकाल लूँगी। देख सकते हैं आप कि ज़्यादा मैंने बारीक नहीं पीसी हूँ, दरदरा ही है। और ये पाउडर मसाले भी इसमें मिला लूँगी और अच्छे से मैं मिला लूँगी। सारे मसालों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। अब चिकन में मैं टमाटर भी ऐड कर दूँगी और इसको भी मिलाकर मैं अच्छे से भूनूँगी। थोड़े से मसाले में मिर्ची में भर लूँगी और इतना मसाला मैं चिकन में ऐड कर दूँगी और मसालों को भी मैं अच्छे से मिलाकर भूनूँगी। मसालों को मैं चिकन में अच्छे से मिला लूँ। मिर्ची को मैं इस तरीके से चीरा मार लूँगी और थोड़ी मैं बीच निकाल लूँगी। और ये मसाले में आधा नींबू का रस इसमें मिलाकर ये मिर्चियों को भर लूँगी और ये बीच को मैं निकाल लूँगी। चिकन को मैं अच्छे से भून ली हूँ। अब मैं हल्का पानी डाल के चिकन को नॉर्मल गैस पर पका लूँगी। मसालों में मैं नींबू का रस निचोड़ लूँगी और मसालों को अच्छे से मिला लूँगी। मसालों में मैंने नींबू का रस निचोड़ ली हूँ और मिर्ची की मैंने कट मार के बीच निकाल दी हूँ। अब मिर्ची को मैं मसाले में भर दूँगी। मसाला मैं मिर्ची में भरते चले जाऊँगी इस तरीके से। मिर्ची में मैंने मसाले भर दी हूँ ताकि मिर्ची में भी एक अचार का फ्लेवर आए और मिर्ची फीकी नहीं लगे, मसालों का टेस्ट मिर्ची में आए, इसलिए मैं भर चुकी हूँ। चिकन अच्छे से पक रहा है, देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इसका मसाला दिख रहा है। और ये थोड़ी देर और पकेगा। अब चिकन में मैं मिर्ची भी ऐड कर दूंगी, इसको भी मैं मिलाकर पका लूंगी। चिकन में मैंने मिर्ची को भी ऐड कर दी हूँ, इसको भी मैं मिलाकर पका लूंगी। अब मैं सालन में धनिया को काटकर ऐड कर दूंगी, इसको भी मैं अच्छी तरीके से मिला लूंगी। और सालन रेडी हो चुका है। अब मैं आपको सर्व करके सालन को दिखाती हूँ। चिकन अचारी मसाला रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप ये कितना बढ़िया बन चुका है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो।